अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पपाया शेक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने पपाया शेक के लिए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पपाया लिया है, उसको कट कर लिया है। और यहाँ पे 1 ग्लास मैंने मिल्क लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चीनी ली है। और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन ली है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपको अगर आइसक्रीम मिल जाती है कोई भी फ्लेवर की तो आप वो भी ले सकते हो। अभी सर्दियों का मौसम है तो आइसक्रीम नहीं मिली, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें अब हम हमारे जो पपाया हैं उनको डालेंगे और साथ में ही मैं डाल दूँगी चीनी और थोड़ा सा आधा दूध मैं डाल दूँगी, आधा ग्लास, और आधा ग्लास हम बाद में डालेंगे। और देखिए पपाया जो होता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और खाना पचाने में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को खाना नहीं पचता है तो वो ज़रूर से पपाया यूज़ में लें, बहुत फ़ायदेमंद होता है पपाया। कई लोगों को पपाया खाना पसंद नहीं होता है, तो इस तरह से हम शेक जूस वगैरह बनाकर दे सकते हैं, तो ये अच्छे से मतलब टेस्टी भी लगता है और आसानी से पी सकते हैं। तो मैं मिक्सर को रोक रोक कर इस चलाऊंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और बिल्कुल बाजार के जैसा, मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है ये। हम मार्केट जैसा स्वाद घर में भी ला सकते हैं और घर की बनी हुई चीज़ें तो देखिए हेल्दी होती ही है। तो लीजिए, तैयार है हमारा पपाया शेक। तो अब मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ। और अब हमने जो गार्निशिंग के लिए बादाम कतरन और पिस्ता कतरन ली थी वो भी हम सर्व कर देंगे। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ पपाया शेक। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था पपाया शेक, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।